हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। हर कोई एक दूसरे के प्यार में रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से यह होली का पर्व मनाया जाता है। यूं तो ज्यादातर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर हम सब फागुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की भक्ति बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में ये होली का पर्व मनाया जाता है। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और माँ गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस तड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना काफी जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ दिया था। इससे शिवजी जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो ही चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वही कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वही शिवजी और माता पार्वती की विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। अब हम आते हैं तीसरी कहानी पर। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वो क्यों गोरे नहीं है। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपने मित्र मंडली गवालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। तो ये थी होली की तीन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानियाँ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।